हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। आप सब लोगों को हैप्पी करवा चौथ। अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और अभी हो रहा रात के 3:15 का टाइम। खा दी आप लोगों को अपनी मेहंदी जो कि मैंने खुद लगाई है। और ये मेरे हस्बैंड ने लगाया है मुझे। थोड़ी सी मेहंदी झाड़ लेती हूँ और उसके बाद जाऊंगी मैं नहाने के लिए, क्योंकि नहा के मुझे सरगी बनानी है। तो नहा के मिलती हूँ। आप देख सकते हैं कि 4 बजने वाली है। मेरी मेहंदी में अभी तो कलर नहीं आया है, क्योंकि हम 1 बजे तक तो मेहंदी लगाए थे और 3 बजे मैं उठ भी गई, तो पता नहीं कि कलर आएगा कि नहीं आएगा। आप देख सकते हो कि ऑरेंज ऑरेंज है और अभी 4 बजने ही वाली है। मैं नहा के आई और मैंने पूजा भी कर लिया है। तो हम लोग में नहा के सरगी खाने से पहले पूजा कर लेते हैं और उसके बाद सरगी खाते हैं। तो बस मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए फैनी और एक तब मैं चढ़ा रही हूँ चाय। वैसे तो सबको पता ही है कि सुबह सुबह ज़्यादा कुछ खिलाता नहीं है, हम फैनी जरूर खाते हैं। नहीं, लॉ ने 2 दिन पहले ही फैनी और सिंगार का सामान जो भी होता है, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, नेल पेंट, जो भी सिंगार का सामान होता है, वो मेरी सास ने 2 दिन पहले ही भिजवा दिया था। तो मैं फैनी सास की तरफ से आती है तो उसे ही सरगी बोलते हैं। और मैंने फिलहाल नहा के गाउन पहन लिया है, क्योंकि मैं फैनी चाय और एक बार और पानी पी लूँगी। वैसे तो 12 बजे के बाद ही फास्ट चालू हो जाता है, तो 12 बजे के बाद हम पानी नहीं पीते हैं, बट जब हम अभी फैनी खाएंगे, चाय पियेंगे, तो उसके साथ हम पानी भी पी सकते हैं। सब कुछ एक ही टाइम पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि हम करवा चौथ कैसे मनाते हैं। यहाँ पे बन रही है मेरी, और मैं बहुत थोड़ा सा ही फैनी खाने वाली हूँ, तो यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है। फैनी बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। फैनी बनाने के लिए सिर्फ आपको दूध गर्म करना है, उसमें शक्कर डालना है, और जब आप गैस बंद करोगे तो आपको फैनी डाल देनी है। और फैनी क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। तो गाइस, ये होती है फैनी। आप देख सकते हो कि ये सेवई जैसी होती है। ये बनने के बाद कुछ इस तरीके की हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि मेरी सरगी रेडी हो चुकी है। ये है फैनी, यहाँ पर पी रही हूँ मैं चाय, और ये है पानी। तो गाइस, जल्दी जल्दी से इसे मैं खा लेती हूँ और फिर उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। सरगी खाना हो चुका है और अभी 4:30 बज चुकी है। बाहर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, तो बस अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए और फिर उठने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। गाइस, मैं सो के उठ चुकी हूँ और आप देख सकते हो कि मेरी मेहंदी में अभी भी कलर उतना आया नहीं है। मुझे करना है बहुत सारे काम, जैसे कि आज हमारे घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है। कल मैंने कपड़े धोए थे तो वो भी मुझे ऊपर जाके सुखाना है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले पूरी रेडी हो जाती हूँ और रेडी होने के बाद काम करूँगी। रेडी इसलिए हो जाती हूँ ना पहले, क्योंकि चौथ वाले दिन दिन भर रेडी होने में बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हमारा फास्ट है। तो पहले मैं रेडी हो जाऊँगी अच्छे से, उसके बाद ही मैं काम करूँगी, क्योंकि काम तो होता ही रहेगा, बट रेडी होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं आप लोग से रेडी होने के बाद मिलती हूँ।